हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 250 तक क्वेश्चन कर लिए थे और आप पर करंट चल रहा है, तो चलो एक बार फिर से कर लेते हैं 250 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस राग के आरोह अवरोह का चलन वक्र रूप में है? तो किसका था? पीलू का था, ठीक है। पीलू का जो चलन है वो वक्र है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 251। लता मंगेशकर के सर्वाधिक प्रिय 10 गीतों में से एक गीत है जिसकी स्वर रचना मुख्यतः राग भीम पलासी के आधार बनाकर की गई है। गीत के प्रारंभ तथा बीच बीच में राग पीलू के स्वरों का भी प्रयोग हुआ है। इस गीत का शीर्षक है एरी मैं तो प्रेम दीवानी। यह गीत किस फिल्म का है? का नौभार, ख गृहस्थी, ग छाया या घ आशीर्वाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है का नौभार, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 252 पे। फिल्म बैजू बावरा का गीत मोहे भूल गए सावरिया किस राग पर आधारित है? क भीमपलासी, ख भैरव, ग सहाना या घ पीलू। सही आंसर है इसका भैरव, ठीक है। ये बैजू बावरा फिल्म का है और गीत का नाम है मोहे भूल गए सावरिया और ये भैरव राग में निबद्ध किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 253। फिल्म चोरी चोरी का प्रसिद्ध गीत रसिक बलमा हाय दिल जो लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया है किस राग पर आधारित है? क यमन, ख शुद्ध कल्याण, ग ललित या घ केदार। तो इसका जो सही आंसर है वो है शुद्ध कल्याण, ठीक है। 254 क्वेश्चन नंबर 254। फिल्म बसंत बहार के अधिकांश गीत शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। इस फिल्म का एक गीत केतकी, गुलाब, जूही, चंपक, बन फूले, बसंत और बसंत बहार रागों के आधार पर निर्मित की गई तथा एक परंपरागत शास्त्रीय बंदिश का अनुसरण किया गया है। इस गीत को मन्ना डे के साथ किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक ने गाया है? क पंडित जसराज, ख कुमार गंधर्व, ग पंडित भीमसेन जोशी या घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 255 पे। फिल्म कोहिनूर का प्रसिद्ध गीत मधुबन में राधिका राग हमीर की शुद्ध शास्त्रीय रचना है। गीत के अंत में तान का कठिन वे स्पष्ट प्रयोग किया गया है। इस गीत के गायक कौन है? क मन्ना डे, ख किशोर कुमार, ग मोहम्मद रफी या घ हेमंत कुमार। तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध गीत है मधुबन में राधिका नाचे रे और फिल्म कोहिनूर का है और इसे गाने वाले ग मोहम्मद रफी साहब हैं। बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। तो ये राग कौन से में है? राग हमीर में है ये, ओके याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 256। कैसे दिन बीते कैसे बीती रतियां फिल्म अनुराधा का लता मंगेशकर द्वारा गाया गया राग झिंझोटी पर आधारित गीत है। इस गीत के संगीतकार कौन है? क पंडित रविशंकर, ख नौशाद, ग जयदेव या घ एस डी बर्मन। तो इसका जो सही आंसर है वो है क पंडित रविशंकर, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
257 पे राग अहीर भैरव के आकर्षक स्वरों में निबद्ध पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई गीत मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का है। इस गीत को मन्ना डे बहुत ही भावानुकूल ढंग से गाया है। इस गीत के गीतकार कौन है? क हसरत जयपुरी, ख शैलेंद्र, ग शकील बदायूनी, घ गुलजार। सही आंसर है इसका शैलेंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 258। काहे तरसाए जियरा गीत उषा मंगेशकर एवं आशा भोसले के द्वारा गाया गया फिल्म चित्रलेखा का है। यह किस राग पर आधारित है? क भैरवी, ख पीलू, ग कलावती या घ मालकोश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग कलावती। ठीक है, काहे तरसाए जियरा उषा मंगेशकर एवं आशा भोसले के द्वारा गाया गया है और ये कलावती राग में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 249 पे, 259 पे फिल्म बरखा बहार का गीत छम 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 रुत बरसे एक ऐसा गीत है जिसे दक्षिण भारतीय संगीत में प्रचलित राग चारु केशी के कर्णप्रिय धुन के अंतर्गत बांधा गया है। इस गीत के पार्श्व संगीत में सरोद का मंद सप्तक में प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक ढंग से किया गया है। इस गीत के संगीतकार कौन है? क नौशाद, ख लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, घ रवि या घ रोशन। तो इसका सही आंसर है ख लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 260 पहला प्रश्न है जिसको हमें ऐसे देखना पड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 260 राजस्थानी लोक गीतों के अंतर्गत राग माड़ के स्वर अधिकतर सुनाई पड़ते हैं। यह राग फिल्म पाकीजा के एक गीत थाड़े रहियो पर निबद्ध किया गया है। गीत मजरूह के हैं तथा लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली एवं चमत्कारी आवाज में गाया है। गीत के बीच में नृत्य के लिए अवकाश निकालकर तीन ताल के दुगुन लय में संगीतकार ने एक नया प्रयोग किया है। वह प्रयोग धर्मी संगीतकार कौन है? क गुलाम मोहम्मद, ख रोशन, ग जयदेव या घ खयाम। तो सही आंसर इसका क है गुलाम मोहम्मद ओके। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 261 पे। 16 मात्राओं का वह ताल जिसका प्रयोग मधुबन में राधिका नाचे रे, झनक झनक पायल बाजे, दिया ना बुझे री, कुह कुह बोले कोयलिया, सावन आए या ना आए, बोले रे पिपीहरा आदि गीतों में हुआ है। वह प्रसिद्ध ताल क्या है? क एक ताल, ख तीन ताल, ग चार ताल या घ झप ताल। इसका जो सही आंसर है वो है तीन ताल। ठीक है, मधुबन में राधिका नाचे रे,
इसका जो हमें मिलता है ताल, देखो ये जितने भी जनक जनक प्याल बाजे ये सब तीन ताल में निबद्ध है, ठीक है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, ओके। इसमें क्वेश्चन नंबर 262 सॉरी, तीन ताल के समान ही कौन सा ताल है जिसके ठेके में एक विशेष लचक है तथा जिसका प्रयोग पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, आजहू ना आए बलमा, सावन बीत जाए आदि गीतों में हुआ है। कभी कभी बीच में तीन ताल के ठेके का भी भ्रम इन गीतों में हो जाता है। क झपताल, ख चौताल, ग अद्धाताल या घ रूपक। तो इसका जो सही आंसर है वो है अद्धाताल, ठीक है, ग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 263 पे, और निम्नलिखित गीतों में किस ताल का प्रयोग किया गया है। भय भंजना वंदना सुनहवारी, भय भंजना वंदना सुनहवारी ये बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, ठीक है। आवाज दे के हमें ना बुलाओ, आंसू भरी है ये जीवन की राहें। हाँ, ताल आपको दे रखा है नीचे तीन ताल, दादरा अद्धा ताल झपताल। सही आंसर है इसका घा झपताल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 264, केतकी गुलाब जूही चंपक वन फूले, पवन दीवानी ना माने, गीतों में किस ताल का प्रयोग किया गया है। क तीन ताल, ख एक ताल, ग झपताल या घ चौताल। तो इसमें किया गया है प्रयोग एक ताल का, ठीक है। केतकी गुलाब जूही चंपक वन फूले, इसमें एक ताल का प्रयोग है। पवन दीवानी ना माने, इसमें भी एक ताल का प्रयोग किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 265, निम्नलिखित गीतों में किस ताल का प्रयोग किया गया है। कल चमन था आज एक सहरा सहरा हुआ, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, तेरी शहनाई बोले पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। क एक ताल, ख तीन ताल, ग दीप चंदी, घ दादरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग दीप चंदी में ये सारे हैं, दीप चंदी ताल में। तो ये आज के थे हमारे 15 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। आपसे शेयर नहीं करे तो लोगों की हेल्प नहीं हो पा रही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उनको पास कोई चैनल नहीं है, तो उन तक शेयर जरूर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो पाए। बाकी हमारा टेलीग्राम है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो नाम है वो ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, आप यहां से जुड़ सकते हैं। यहां पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं, जितनी भी प्राइवेट जॉब आती हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं, बुक्स हैं, पीडीएफ है या कोई भी चीज होती है वो यहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा। और कमेंट करके अप्रिशिएट करते रहिए, और जो भी चीजें हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एवरीवन।